रास्ते में जो गांव में जैसे छोटे होटले पे ताश खेलते हैं मनोरंजन के लिए, और नदी किनारे कोई देसी दारू बनाने वाले भी रहते हैं, गाड़िया दिखती ना हर रविवार तो सब भग जाते हैं, अधिकारी वगैरह नहीं आया होगा चाय भग जाती, नहीं तो पिछले की डंडा लेके नहीं लग जाए। ये अंकल का खेत है, केशरपुरा करके गांव है ये, और ये अंजड़ तालुका में ही आता है। आपका परिचय दो ना, सबको पता चलेगा कहाँ पर हमें। केशरपुरा मनोहर सिंह मंडलोई, अंजड़ तहसील, जिला बड़वानी, नाम मनोहर सिंह। ये इनकी फैमिली पूरी यहाँ पर तीसरी पीढ़ी खड़ी है। अंकल के लड़के ये हैं और ये छोटा जवान। आइए, ऐसे ही हम हर केले के खेत में तीन पीढ़ी साथ में लेके चलते हैं, पहला दूसरा तीसरा। ये फरवरी लास्ट का प्लांटेशन है ये, यहाँ पर पूरा 70-30 फॉलो कर रहे हैं और 5x8 पर लगा हुआ है। लाइन से लाइन 5 फीट है, पौधे से पौधा 8 फीट है। आराम से आखिरी सप्ताह का है, पौधा अच्छा है, पूरा खुला खुला है। उधर भी दिखना, आ जाओ आगे आ जाओ, तो चर्चा करने में रहेगा, इधर ही सब आ जाओ, ऐसे आइट साइड हो जाओ, सभी आइट आइट हो जाएगी। अच्छा, ये भी पांच ही है क्या? हाँ, पूरा हर लाइन पांच पांच पे है, हर लाइन पांच पे है, हर लाइन पांच पे है। ये नाली हमने कर दी तो ऐसा हमें दिखता है कि ये अलग होगा, वो अलग होगा, लेकिन आप ग्राफ से नापेंगे तो हर पौधे की लाइन पांच पांच फीट पर है। ओके। और पौधे से पौधा जो है, इस पौधे से इस पौधे की दूरी 8 फीट की है, और ये लाइन से लाइन जो है ये 5 फीट है, और ये आमने सामने नहीं है, ये जिगजैग बोलते हैं इसको, जेड आकार में ऐसा। इसका पर्पस क्या रहता है, बीच में गैप छोड़ने का? हाँ, गैप छोड़ने का पर्पस ये है कि जैसे इस पौधे के पत्ते को देखोगे तो ये किसी के नीचे नहीं है, इंडिविजुअल अलग है। ये अभी ये पौधा तो निकलने में टूट गया होगा, ये पत्ता कैसा है, ये भी तिरछा है, इसके बीच में ये आया है। ओके। अगर ये पौधा यहाँ पर होता, आप खड़े हैं आमने सामने, ओवरलैप हो जाएगा, तो सूर्य की रोशनी का पूरा उपयोग हम ले नहीं पाएंगे। अल्टीमेट हमें उत्पादन लेना है और रोग रहित जाना है, बीमारियां नहीं चाहिए खेतों में, तो ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा साइड में चाहिए, ताकि हर पत्ते पर सूर्य की रोशनी आए। अभी जैसे आप केला कर ही रहे काफी समय से, बाकी लोग केले में नए हैं, आपके यहाँ का अनुभव क्या है, जिस दिन फल आता है उस दिन कितना पत्ता हरा रहता है और कितनी बीमारियां रहती है? पूरे पत्ते तो गिर जाते हैं, 8-10 पत्ते। जो ट्रेडिशनल मेथड है हिंदुस्तान में, जो केला खेती करने की मेथड है, वो मेथड बनाई किन्ने है जिन्होंने पौधा बेचना है, दूसरी मेथड किन्ने बनाई है जिन्होंने प्रोडक्ट बेचना है, खाद दवाई जो बेचना है। ये दोनों मेथड में क्या हो गया है कि किसान को समझे नहीं और न केले को समझे। किसान को चाहिए क्या और केले के प्लांट को चाहिए क्या, वो मेथड आई नहीं मार्केट में। मेथड कौन से है, मुझे ज्यादा पौधे, मेरा टिश्यू कल्चर है रेवा फ्लोरा, मुझे ज्यादा पौधे बेचना है तो मैंने उस तरह का डिजाइन किया। तो मैंने क्या डिजाइन किया, 5x5 1750 पौधे 1 एकड़ में। ये मेथड लॉन्च है पूरे भारत में,
पड़ोसी भी वही लगा रहा था तो मैं भी वही लगाऊंगा, क्योंकि पड़ोसी को भी तो केले बनाने वाले ने वही बताया ना, 1996 से बना है तो परोसा ही गया है 5x4 फिर 5x5। अभी पिछले 4 साल से मैं जब मार्केट को बोल रहा हूँ कि इंटरनेशनल बायर यहाँ पे लाना है, बड़े व्यापारी यहाँ पर लाना है, तो उनको चाहिए क्या? उनको रोग रहित फल चाहिए जिसमें कोई वायरल फंगल डिसीज ना हो, उनको रेसिड्यू फ्री फल चाहिए, उनको केमिकल वाले कोई भी उत्पाद नहीं चाहिए। ये 2 रिक्वायरमेंट है बायर की जो बाहर से देख रहे हैं हिंदुस्तान को। तो ये ग्राफ अगर नहीं लिया तो उनकी फुलफिलता हम नहीं कर सकते व्यापारी की। वही कंडीशन अब आ गई है दिल्ली, चंडीगढ़, इंदौर, बड़े महानगरों में। 2 साल कोरोना के महामारी के हुए हैं तो सबने घर पे बैठकर ये समझ लिया है कि जो भी खाना है वो रेसिड्यू फ्री और न्यूट्रिशन वाला खाना है, अन्न हो या फल फ्रूट हो या साग सब्जी हो। तो ये हम सबको भी पता चला है। अब क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान में भी जो मदर डेयरी, रिलायंस, महिंद्रा या डोमेस्टिक मार्केट जो दिल्ली, चंडीगढ़ है, इंदौर है, बड़वानी है, यहाँ के ठेले वाले मांगने लग गए हैं कि भैया ये फंगस वाला हम नहीं लेंगे, पकने वाला हम नहीं लेंगे। तो जो 5x5 की ट्रेडिशनल मेथड थी उसमें ओवरलैपिंग होता है, पत्तों की संख्या ज्यादा है तो उनमें फंगाई ज्यादा होती है। अभी हम यहाँ खड़े हैं तो अंदर हवा आ रही है, सफोकेशन नहीं है, टाइटपन नहीं है, उसकी वजह से आप देखोगे एक भी पत्ते पर कोई बीमारी नहीं है, रोग नहीं है। हमारी तरफ दिन में अंधेरा दिखता है, दिन में अंधेरा दिखता है, दिन में अंधेरा दिखता। ये मेजॉरिटी का सिंबल है, ये जो व्हाइटनेस है ये पोटेशियम। और ऊपर से क्या बोलते हैं, जिसका दिन में अंधेरा दिखता है ना वो बाग बहुत अच्छा है, ऐसा बोलते। वो अभी सब किसानों को भी समझ में आ रहा है, जब भी तो आप यहाँ पे आए ना, ये जैसे फल आ रहा है, ये फल आना चालू हुआ है, अभी निस्वार हो रही है, शुरुआत है। ये प्लांटेशन हुआ था फरवरी लास्ट, मार्च फर्स्ट, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी 7वां महीना रनिंग है और 7वें महीने में निश्वाड़ है। एकदम आइडियल टाइमिंग है, पत्तों से पत्तों में गैप भी देखेंगे पूरा एकदम परफेक्ट है, डंडे की मोटाई भी देखेंगे एकदम सही है, एक भी पत्ते में दाग धब्बा नहीं है, ये पत्ता काटा गया है, ये खुद से नहीं गया है ताकि केला चिपके ना। ये कब होता है, जब हम ऐसा ग्राफ रखते हैं सराउंड, अगर इस पौधे को देखेंगे तो इसके सामने कोई सा पौधा नहीं है, पूरा सराउंड में है ग्राफ। तो इसके पत्ते फेंकने की डिजाइन अगर आप देखोगे तो पूरा ऐसा ये बढ़ते क्रम में है, चढ़ते क्रम में, सीढ़ी जैसे चढ़ते हम ऐसे सर्कल घूम करके, ये नीचे का फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर, ऐसे सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं। इस पत्ते को देखोगे तो ये ओवरलैपिंग में नहीं है कहीं पर भी, बात एकदम छोटी सी है, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, कई सारी बीमारियां हटा दी। इस सिचुएशन में जो 5x5 है वहां पर अभी 3 से 4 स्प्रे हो जाते हैं सिगाटोका के, फल आने से पहले हो जाते, क्योंकि पत्ते सड़न के कारण ड्रॉप होने लगते हैं। ये तो दबाए गए हैं कि अभी फल आएगा तो ये दिक्कत में नहीं आएगा, जैसे पत्ते हरे ही है नीचे तक के। 5x5 में यहां तक का, कंधे तक का पत्ता जब फल आता है इस सिचुएशन में ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी मिलती नहीं तो वो फल को बाहर फेंकने में पूरी एनर्जी लगाता है, तो नीचे से हाई न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन लेने के लिए नीचे जमीन में न्यूट्रिशन अगर कम है तो पूरे पत्तों को निचोड़ लेता है और पत्ते ड्रॉप करके वो फल को बाहर देता है। अभी जितने पत्ते कम उतनी इसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। अच्छा, आगे का समय वेट का नहीं है, क्वालिटी का है। हालांकि पत्ते ज्यादा रहेंगे फोटोसिंथेसिस रहेगा। तो ऐसे प्लॉटों में क्या होता है, तने की मोटाई जितनी है, हम तने को नापते हैं इसको, ये जो टखना है इसके जस्ट ऊपर यहां से, तो तने की मोटाई अगर आपकी 32 इंच की है तो 32 किलो तक का ये वजन देगा। अच्छा, पत्ते ज्यादा है तो, पत्ते कम है तो 32 इंच का रहने के बावजूद 10 माइनस हो जाएगा, 22 23 किलो ही देगा। पत्ते नहीं है तो, और पत्ते हैं तो ये पूरा न्यूट्रिशन गेन करेगा, अपनी लाट में से पूरा नीचे लेगा। तो एडवांटेज बहुत सारे हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू और वजन, किसान को वेट भी ज्यादा मिलना है। और आगे के अनेक जो एडवांटेज हैं कि इस मेथड को मैं क्यों लॉन्च कर रहा हूं, अगर यहां पर हम ग्राफ को देखें समझे तो ये है नाली, ये हम किसानों के लिए है, और यहां से जैसा प्लेटफॉर्म चालू हुआ फिर नाली आई, तो ये पौधे की जड़ों के लिए है। इसके नीचे देखेंगे तो हमें एक इकोसिस्टम दिखेगा, होल और पोल दिख रहे हैं, ये
कीड़ा घूम रहा है, ये छोटी छोटी ये गोलियां हैं, ये इनकी विष्ठा है, ये जो छोटी छोटी गोलियां हैं ना, ये छोटे छोटे कीड़े घूम रहे हैं, देखो है? ये इसको खा भी लिया है, ये जो पुराना पड़ा था इसको खा लिया है। तो ये एक 70% जगह में हम एक इकोसिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं, और इकोसिस्टम डेवलप्ड होगा तभी हमारे प्लांट को हमें मार्केट से भोजन लाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये जो कीट पतंग कीड़े मकोड़े हैं, ये कचरे को खा रहे हैं और जो विष्ठा निकाल रहे हैं वही पौधे का भोजन हो जाएगा। तो एक तो इस इकोसिस्टम डेवलप करने से हमारा यूरिया डीएपी पोटास मार्केट से लाना हुआ कम, दूसरा ये नैसर्गिक प्रक्रिया है तो नेचुरल प्रक्रिया में जो हमारा उत्पादन आ रहा है ये 100% रेसिड्यू फ्री आ रहा है। जब आवश्यकता लगती है इमरजेंसी में कि हमें कुछ देना चाहिए तो जब हम रेसिड्यू फ्री बनाकर देते भी हैं, यूरिया डीएपी पोटास से हमने कसम नहीं खा रखी है देना नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन एक बार ये इकोसिस्टम डेवलप करते तक, उसके बाद नहीं। अभी ये प्लांट फल आ गया है, इसका नया बेबी रख लिया है, ये जो है साइड में ये इसका बेबी रख लिया है, अभी माल कटा नहीं, अभी तो फल आ ही रहा है। हर एक में आप छोटा देखोगे ना, ये रख लिया है इसमें, जो साइड का किनार का दिखेगा अगली जनरेशन के लिए रख लिया। जब आपने भी समझा होगा शादा नंदुरबार में केली बहुत होती है, पीलबाग रखते कब है, जब माल की कटन चालू होती है, कटन चालू होती है। अभी यहाँ पर केवल दस्तक दी है, फ्लावरिंग शुरुआत हुई है, अभी किसी में फल आया है किसी में नहीं आया है, और हमने नया बेबी रख लिया है। इसका मतलब हम कॉन्फिडेंस है कि हमारे पौधे में पत्ते ज्यादा है, हमारी जमीन में पोटेंशियलता है, तो हम अगली फसल जल्दी लेंगे। ये माल फल आने के बाद 90 से 110 दिन 120 दिन लेगा कटने में, जब ये कटने में 120 दिन लेगा मतलब 3 महीने के बाहर, तो इसकी अवस्था यहाँ पर रहेगी। ये जो बेबी है तो नेक्स्ट क्रॉप जल्दी आ जाएगा, नेक्स्ट क्रॉप जल्दी आएगी। तो इस ग्राफ से हो क्या रहा है, पूरे हिंदुस्तान में केले का स्ट्रक्चर बदल रहा है। केला लगा रहे थे, आज लगाया, 12 महीने में कटन आएगी, इसकी कटन आएगी 10 महीने में, क्योंकि फरवरी लास्ट मार्च में लगा था, अभी सितंबर चालू है, फल आ गया है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इसकी कटन आ जाएगी। तो जनवरी फरवरी 2 महीना पूरा एक तो इसी ने क्रॉप ने बचा लिया, अब इसका बच्चा 4 महीने पहले छूट गया है माल कटने के, तो माल कटने के 3 महीने बाद ये भी इस अवस्था में रहेगा कि फल दे दे। जिस दिन माल कटेगा दिसंबर में, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में ये फल दे देगा, और जिस दिन ये फल देगा उसके पहले तीसरा रखा हुआ रहेगा। तो एक बार ये साइकिल आप सीख गए तो जीवन में कभी भी केले को छोड़कर दूसरी फसल करना ही नहीं, यही चलता रहेगा। तो ये 9 फीट का जो 8 फीट का ग्राफ ले रहे हैं, ये इसका अगली पीढ़ी रखने के लिए ले रहे हैं, कि यहां से हम नया रखें, फिर इसके बाद रखें, फिर इसके बाद रखें, तो ये साइकिल पूरी कंप्लीट करेगा। इसलिए हमने इसको इतनी डिस्टेंस दी है, पत्तों पर धूप आए इसके लिए डिस्टेंस दी है। अभी सोहन भाई का एक और प्लॉट है, वो 5x7 पर लगा है, वही हमें लगता है कि टाइट हो गया है, तीसरी कटिंग चालू है, चौथा पील खड़ा है। केला एक ही बार लगाकर 1000 साल तक लिया जा सकता है, जैसे हम बोलते हैं ना नींबू आम, ये फसल सीताफल ऐसी है कि एक ही बार ट्रांसप्लांट करो, केला भी वैसे ही है, एक ही बार ट्रांसप्लांट करो। बस इसका साइंस है कि हम नया बेबी कब रखें, ये नीचे से कंद जो आया कब रखें, इसकी डिस्टेंस, छोटी छोटी चीजों को हमने कलेक्ट किया है और पूरे हिंदुस्तान को एक ऐसा रूट मैप देना चाह रहे हैं कि केला एक ही बार लगाओ, रेसिड्यू फ्री करो, ताकि यूरोपियन बायर भी आए। हिंदुस्तान में अभी मात्र 3% एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारी नजर ग्राउंड को रिपेयर करने के लिए तो है, लेकिन सोच वहां तक जा रही है कि हम 30% बायर को इन्वाइट करें। रेसिड्यू फ्री देख रहे हैं, उसी से हमारे पास एडवांस कॉन्ट्रैक्ट आ चुके हैं कि हमें इतने कंटेनर इतना कंटेनर चाहिए, लेकिन अब ग्राउंड में माल नहीं है। तो सोहन भाई जैसे धीरे धीरे जो किसान आगे बढ़ रहे उनके साथ हम नई पीढ़ी को टच करेंगे। एक चीज और आपको दिखाता हूं मैं, आगे आइए, थोड़ा फिसलन होगा यहाँ पर, ध्यान से। कई सारी जो बड़ी 7-star 5-star होटल्स है उनकी डिमांड एक और है। ये फल जैसे निकलता है उसके बाद में ये नीचे आता है कमल, इसी का एक 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 छिलका हटते रहता है, ये एक 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 छिलका हटते रहता है। तो यहां से बारीक केला आना चालू हो गया, मतलब
इसने जितना भोजन लिया उतने केले के फिंगर इसने बड़े बनाए, बाकी अब इसके पास कैपेसिटी नहीं है तो इसने केले के फिंगर छोटे कर दिए। अब ये यहाँ से बड़ा नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन वर्ल्ड में एकमात्र केले के फिंगर की सब्जी सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू वाली है ये। अच्छा। ये जो कमल है ये कमल 5-star होटल्स में 450 रुपए का एक है डिमांड में, जिसकी सब्जी बनती है ये कमल। कोरोना काल में इतने ज्यादा इस पर रिसर्च हुए हैं कि हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता कैसे बढ़ाए, तो जितने भी फ्रूट्स हैं उसमें केला एक ऐसा फल है जो सबसे ज्यादा पोटेशियम नीचे से गेन करता है, हाई पोटेशियम लविंग प्लांट है, और पोटाश जिसमें रहता है वो रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाता है। अब यहां से इसके कट कर इसकी अंदर के फिंगर्स की सब्जी बनती है और सबसे न्यूट्रिशन वैल्यू वाली सब्जी है ये। किसान को आज की तारीख में इस फल का 450 नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और मेरे पास डिमांड है कि 450 रुपए हम आपको इसके केवल नीचे के कमल के, ये किसान के लिए वेस्टेज है। मतलब तो खूबसूरती क्या है कि किसान जो फेंक रहा है, जो उसके कुछ काम का नहीं है, इन फिंगर्स की सब्जी बनेगी और बहुत ही टेस्टी होती है और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू की रहती है, इसकी डिमांड है। लेकिन उनको चाहिए क्या? रेसिड्यू फ्री, हार्मफुल पेस्टिसाइड केमिकल वाला नहीं चाहिए, और वॉल्यूम में चाहिए कि एक बार अगर हमने ऑर्डर लेना चालू किया तो फिर उनको कंटिन्यू पर सप्ताह कुछ पीस देना पड़ेंगे। हम चाह रहे हैं किसान की इकोनॉमी एकदम सटीक हो जाए, कर्जे लेने वाले की बजाय कर्जा देने वाला बन जाए। तो ऐसे छोटी छोटी जगहों पर वैल्यू एडिशन किया तो ही संभव है। पौधा एक ही बार लगाया, अब जीवन में लेना नहीं है, फल के साथ कमल भी बेच दे, 12 महीने में कटिंग आ रही है उसको 6 महीने में ले लें, आपके उत्पादन डबल हो गया। ये छोटे छोटे से टचअप देने की किसान पाठशाला ने कोशिश करी है। अगर मेरी टिश्यू कल्चर लैब नहीं होती तो शायद जिनकी टिश्यू कल्चर लैब है अभी तक मेरे पास 2-4 केस कर चुके होते कि मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो बोलता है केला 21 बार लगाओ, आगे लगाना मत। क्योंकि मेरा एक वीडियो है जिसमें हमने रेसिड्यू फ्री खाद और वाटर सॉल्युबल का अपोजिट बनाया है। इंडिया में इंपोर्ट होता है वाटर सॉल्युबल, यहाँ बनता नहीं, 12, 61, 0, 0, 52, 34 ये सारे। और उसका विकल्प है कि आपने पोटास को अगर सल्फ्यूरिक एसिड से डाइल्यूट किया तो वो पोटेशियम सल्फेट बनता है, DAP जो हमें किसानों को सब्सिडी में मिलता है उसको फास्फोरिक एसिड से घोला 10:1, 100 लीटर पानी 10 किलो DAP 1 लीटर फास्फोरिक एसिड, तो वो 12:61 से ज्यादा काम करता है। तो ऐसा मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, तो जिसमें गुजरात के 2 इंडस्ट्री ने मेरे पास केस का दाखिला भेज दिया। फिर उसको हमने यहाँ से सारे एविडेंस भेजे कि भैया आप चाहो तो हम कोर्ट में ही बात करते हैं और आप चाहो तो ये वापस ले सकते हो, क्योंकि हमारे पास सैकड़ों किसानों के एविडेंस है और केवल आप अकेले रहोगे जो वाटर सॉल्युबल जो इम्पोर्ट हो रही है उसका सपोर्ट लोगे, और मेरे पास लाखों किसान है जो DAP का सपोर्ट लेंगे। तो फिर उन्होंने केस वापस लिया। ऐसी चीजें है मार्केट में, हमें किसानों को यह समझना है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। बातें एकदम छोटी छोटी सी है। किसान पाठशाला ये चाह रहा है कि 3% एक्सपोर्ट को 30% पे ले जाएं, जिसमें आप सभी भी भूमिका निभाई रहे हैं। किसान दरबार में आज आए हैं सुनने के लिए, विजिट करने के लिए। सोहन भाई, मैं बहुत बोलता रहता हूँ, आपकी भूमिका बताइए कि ये खेत में कब केला लगाया, कितना खर्चा हुआ, अभी आगे आपकी सोच क्या है, इनको थोड़ा सा समझ में आया किसान। ये 20 फरवरी का है लगा हुआ, रेवा का है G9। तो ये जमीन बिल्कुल बंद थी, मतलब वेस्टेज जमीन थी, इसको तैयार करके इस पर कोई खेती नहीं हो रही थी, इसको रिपेयर किया है, जमीन को लैंड को बराबर किया है, खाड़े खुड़ी थी, गड्ढे भर करके फिर इसमें ट्रांसप्लांट किया, ट्रांसफर किया फिर लगाया। तो 5-8 का किया, 5-7 का पहले प्लाट था, उसमें थोड़ा हमको ग्राफ कम लगा तो फिर इसमें 5-8 किया है। वो चलाने के तो भैया बहुत लंबा बता रहे कहाँ तक चलाएंगे। देखते जाले जा रहे चल रहे। ये फर्स्ट फसल है, ये तो अभी फर्स्ट और इसका सेकंड बेबी रखा है अभी, जो आया ना ये सेकंड रखा है,
इसमें डील किया बस यहीं पर है इन्हीं का खेत है, तो वो निकल जाता है। तीसरी कटिंग चल रही है, चौथा लिया हुआ है, पांचवे की तैयारी है, इसमें डील किया हुआ है। कांसेप्ट यही है। इसके अंदर खाद कितनी डाली है? खाद फर्टिलाइजर बेसल डाला है। एक्चुअली मैं पहले दिन से 5x9 अगर तीन बेसल डाल पब्लिक रेसिड्यू बना के डाला है, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं डाला है इसमें। सही वो सब ड्रिप में दिया है या ऐसे? नहीं ऐसा ही नहीं, लाइफ टाइम दो बार उसमें लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम क्या करते खड्डा करके खड्डा करके अंदर डाल दिया। हाँ अंदर डाल दिया। ओके ओके कोई ड्रिप में नहीं दिया? ड्रिप में 8-9 इंच बिल्ला डेढ़ बिल्ला छोड़ के ड्रिप में नहीं चला। तो लीटर लीटर के हिसाब से कितना डालते हो? तो ये हिसाब से जाते हैं अपने पास जैसा भी हो जो अपना केमिकल खाद आता ना गोबर में मिक्स करना पड़ता पहले 5-7-8 दिन बाद उसके बाद यूज करना है तो वो जो अपना केमिकल जो रहता वो डिजाल होकर ये जो हो जाता जो खाद रहता तो अपने जमीन के लिए देता हूँ। ये प्लांट के लिए या अपने लिए? अभी वो सब मिक्स खड़े हैं इसलिए सभी दूर खड़े हुए हैं। हाँ ये डबल ड्रिप की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है उसमें इसको बड़ा कर देते हैं, 7 कर देते हैं, पौधे से पौधा 5 लेते हैं। जैसे आपके सहादा में पूरा वैसा ही चलता है तो उसमें डबल ड्रिप डालना पड़ेगी पौधे के दोनों तरफ क्योंकि दूरी बड़ी हो गई तो सिंगल ड्रिप में फिर अंदर धूप घुसेगी। उसमें सराउंड है इसलिए धूप नहीं आ रही है, केवल ये हवा अंदर बाहर हो रही है, धूप नहीं आ रही है। तो वो डबल ड्रिप में फिर आप लंबा नहीं चल पाओगे क्योंकि ये जो हमें पौधा रखना है ये 5 पे आ गया तो 2-3 कटिंग भी ले पाओगे, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। पौधे से पौधा डायरेक्शन इसके सराउंड पौधे अभी छोटा है ना, ये भवन कितने ज्यादा है पश्चिम है ये दक्षिण है अगर आपने 7 चौड़ाई पे ले लिए और 5 सकरा कर लिया तो डायरेक्शन मायने रखेगा कि आप चौड़ा हिस्सा किस तरफ लेंगे। हमने अपोजिट चौड़ा लिया है और उसमें पौधा आ गया, इसका पत्ता यहाँ पे आ गया, अंदर आने का एकदम पर्टिकुलर एक तरफ से कोण नहीं बन रहा है, सराउंड कोण बन रहा है। इसमें किधर भी डायरेक्शन रखोगे यही ग्राफ चाहिए, 5x8 5x9 चौतरफा किधर से भी लोगे तो सराउंड ग्राफ बनता है। नहीं नहीं वो तो भी नहीं आता है तो चले अगली साइड पे चलो चलो।